हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटीके मोहन बगान एफसी के गोलकीपर विशाल कैत के इंजरी के बारे में। तो दोस्तों, कल एटीके मोहन बगान एफसी सेकंड प्लेऑफ्स मैच खेलने उतरी थी ओडिशा एफसी के खिलाफ आईएसएल सीजन 9 का। और दोस्तों, फर्स्ट हाफ के बाद सेकंड हाफ में एक बहुत बड़ा दुर्घटना होता है। लगभग 60 मिनट में एटीके मोहन बगान एफसी के गोलकीपर विशाल कैत को एक हेड इंजरी होता है। डिएगो मोरिसियो के साथ वो बॉल कलेक्ट करने में टकरा जाते हैं और उस टकराव के बाद विशाल कैत बिल्कुल ही सेंसलेस हो जाते हैं और मैदान पर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा स्कैरी मोमेंट था। जितने भी प्लेयर्स उस मैदान पर मौजूद थे, सपोर्टर्स और जितने भी सपोर्टर्स टेलीविज़न पे इस मैच को देख रहे थे, तो सारे डर जाते हैं विशाल कैत को आखिर क्या हो गया। लेकिन दोस्तों उसके कुछ ही देर बाद एटीके मोहन बगान एफसी के वॉरियर गोलकीपर विशाल कैत अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। मैच खेलने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, एक बिल्कुल ही वॉरियर के जैसा उनका एटीट्यूड था। लेकिन दोस्तों, जुआन फिरांडो ने बिना किसी रिस्क के उनको एम्बुलेंस में बैठाकर हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया। और उसके बाद इंटरव्यू में जो जुआन फिरांडो ने कहा है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। उन्होंने कहा है कि जब विशाल कैत को इंजरी हुआ था और इंजरी के बाद जब वो खड़े हुए तब उनसे उनका नाम पूछा गया तो वो नहीं बोल पा रहे थे। काफ़ी सारे नॉर्मल सवाल थे जिनका जवाब विशाल कैत नहीं दे पा रहे थे और उसी के कारण जल्द ही एटीके मोहन बगान एफसी के कोच जुआन फिरांडो और सारे प्लेयर्स ने उनको हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया। तो दोस्तों, काफ़ी सारे फैंस चिंतित थे विशाल कैत के इस हेड इंजरी को लेकर। लेकिन दोस्तों, अभी फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है मार्कस मार्गलाव के ट्वीट के अनुसार कि विशाल कैत को हेड में इंजरी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है, बस कंधे में उनको चोट लगी है और कंधा सूजा हुआ है। और दोस्तों, जब विशाल कैत के कंधे का सूजन थोड़ा कम होगा उसके बाद MRI रिपोर्ट किया जाएगा विशाल कैत का, और उस MRI रिपोर्ट में आखिर क्या आता है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि विशाल कैत सेमीफाइनल मैच हैदराबाद एफसी के खिलाफ खेल पाएंगे या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।